आज ईद के त्योहार पर सुबह 9 सपोर्ट वाहिनी बल करेरा के द्वारा ईद पर शासकीय मॉडल स्कूल करेरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन सेनानी सपोर्ट वाहिनी अभय चंद्र के मार्गदर्शन में किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ उप सेनानी अभियंता रविन्द्र सिंह, उप सेनानी जी डी लाला राम वर्मा, सहायक सेनानी आर मोटा मनमोहन सिंह, शासकीय मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, सपोर्ट वाहिनी में पदस्थ समस्त पदाधिकारियों और समस्त शिक्षकों 100 से कड़ा से अधिक जवानों ने वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहले सपोर्ट वाहिनी के अधिकारियों के द्वारा सभी को वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया कि वृक्ष भरपूर ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करते हैं। पर्यावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से वृक्षारोपण की आवश्यकता ज्यादा है, अतः पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सपोर्ट वाहिनी के पदाधिकारियों के द्वारा मॉडल स्कूल करेरा में औषधीय फलदार अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए। सर, आज आपने जो है वृक्षारोपण किया शासकीय मॉडल स्कूल में, बताएं सर क्या है? आज सपोर्ट वाहिनी के हम नुमाइंदे हैं और आज हमने वृक्षारोपण किया है और हमारे सेनानी श्री अभयचंद जी के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और शासकीय मॉडल जो स्कूल है करेरा की, उसमें हम सहभागी हुए हैं और करीबन हमने 500 पौधों का टारगेट लिया है और यहाँ पे वृक्षारोपण आज हम कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण हो रहा है आपके स्कूल में जी, इस पर आप क्या कहेंगे बताएं? मेरे स्कूल में सपोर्ट वाहिनी RTP द्वारा एक बार और पिछले सप्ताह में हो चुका है और आज दोबारा से श्रीमान अभयचंद जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ ITP का दल सुबह आया और करीब 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण का जो लक्ष्य लिया है इन्होंने वो शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। हम इसके सहभागी हैं और हमें गर्व है, हम इस कार्यक्रम से इनसे जुड़े हैं। शासन का जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है अंकुर अभियान, हम इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं इनके साथ में और इनको पेड़ बना करके रोकेंगे।